खबर झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। छात्रों को सीएम की बधाई। जी हां, दिवाली से ठीक पहले जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को जारी कर दिया गया है। ये परिणाम 42 दिनों के बाद जारी किए गए हैं। मुख्य परीक्षा दिसंबर महीने में होने की संभावना है। वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने सफल छात्रों को बधाई दी, अगले चरण के लिए शुभकामनाएं दी है। हालांकि विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए हैं, आरोपों की झड़ी लगा दी। दिवाली से ठीक पहले जेपीएससी परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। सातवीं से दसवीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा में 4,293 उम्मीदवार सफल घोषित किए गए। इनमें अनारक्षित 1,897, एससी कोटे से 1,057, एससी कोटे से 389, पिछड़ा वर्ग से 244, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से 401 और आर्थिक रूप से कमजोर 305 छात्र सफल हुए हैं। प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम 42 दिन के बाद जारी किए गए हैं। मुख्य परीक्षा दिसंबर माह में होने की संभावना है। वहीं परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने सभी सफल छात्रों को बधाई दी। सीएम ने परीक्षा के अगले चरण के लिए सफल अभ्यर्थियों को अपनी शुभकामनाएं भी दी। सत्ता पक्ष इसे हेमंत सरकार की तरफ से दीपावली पर छात्रों को सौगात की बात कह रहा है, तो विपक्ष ने 6 परीक्षाओं को स्थगित करने का मुद्दा उठा दिया है। हालांकि सरकार को कांग्रेस का साथ मिला है। सरकार ने दीपावली के अवसर पर हजारों घरों में अंधेरा छा दिया। अब आप देखें, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने पिछले 3 वर्ष के दौरान ली गई 6 परीक्षाओं के एडवर्टीजमेंट को कैंसिल कर दिया, तो जो हजारों छात्रों के घर में आज मातम बन गया। और ये सरकार नियुक्ति वर्ष जिस वर्ष को कह रही थी, ये तो नियुक्ति रद्द करने का वर्ष इन्होंने कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री बोलते हैं वो करते हैं, वो धरातल पर उतरता है, सरजमी पर उतरता है, ये प्रूफ कर दिया है इस सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री ने। और जो इस तरह की बातें करते हैं उनसे पूछा जाना चाहिए कि पिछले 5 साल आपने क्या किया। तो निश्चित रूप से वो दीपावली का तोहफा है। यहाँ जो नौजवान परीक्षारत थे, जो परीक्षार्थी थे, उनमें एक हर्ष की लहर है। तो विपक्ष को अपनी बातें करने दीजिए। जब खुद सत्ता में रहते हैं तो किस प्रकार से बदनीयती से निर्णय लिए जाते हैं, वो पूरे झारखंड के नौजवानों ने देखा है। परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद जहां छात्रों में खुशी है, तो दूसरी तरफ सियासत ने भी जोर पकड़ ली है। हालांकि दिवाली के पहले रिजल्ट जारी होने के बाद छात्रों को उम्मीद है कि नए साल में मुख्य परीक्षा का उन्हें तोहफा जरूर मिलेगा। मनीष मेहता, जी मीडिया, रांची।